अटेंशन अटेंशन क्लास प्लीज। ये दूसरा दूसरा लेक्चर इस हवाले से चैप्टर फोर का पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और पीरियोडिसिटी को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन जब वो टॉपिक स्टार्ट होगा तब तफसील से उसमें बात कर लेंगे। अभी तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है पीरियोडिक टेबल की। जितना बड़ा पीरियोडिक टेबल है 110 एलिमेंट्स में मबनी, वो एलिमेंट्स किन किन दिहाइयों में और किन किन सदियों किस तरह सदियों का काम जो है वो समो दिया गया एक पेज के ऊपर, कैसे हुआ ये सारा काम, तो उसके लिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन है, किसका नाम आता है, फेस अल राजी, उसके बाद बाबरानियर्स, और तीसरे नंबर पे क्या आते हैं, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऑक्टेव का मतलब होता है अट्ठा, ऑक्टेव का मतलब क्या है, अट्ठा या आठ, एट को कहते हैं ऑक्टेव, डेट क्लियर। अब जाहिर है क्रिकेट में छक्का होता है, अट्ठा नहीं होता, याद रखिएगा, वरना फिर आपको ऑक्टेव चाहिए, सिक्स होता है। देखिए ये कानून क्या बयान करता है, कहने के इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के साथ अरेंज किया, क्या किया, एक लाइन से लिखा, इस तरह से उसने उनको अरेंज किया एलिमेंट्स को बढ़ते हुए मासेस के साथ, कि हर आठवां एलिमेंट, कौन सा, जो आठवां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम वही थी जो कि पहले की थी। फिर से उसने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया न्यूलैंड ने, कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जस्ट सेम एज फर्स्ट वन, जैसे कि पहले एलिमेंट की थी। आइए और करते हैं इस पर, पहले इस स्टेटमेंट पूरी पढ़ लें, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट विल बी सेम एज डेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इस जुमले को ज़रा समझना है, आइए जो इसने अरेंजमेंट दी है उसके मुताबिक न्यूलैंड ने इनको एलिमेंट्स को इस तरह सजाया है। पहले नंबर पर क्या आया, अच्छा नीचे ब्रैकेट में क्या लिखे हुए, इनके एटॉमिक मासेस लिखे हुए 3, 9, 11, 12, एटॉमिक मासेस बढ़ते जा रहे हैं, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम एंड सोन चलता रहेगा उस दौर के लिहाज से। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है, लिथियम है, कौन सा है, लिथियम, गिनिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, और उसके बाद क्या आया, एट्थ। तो आठवें नंबर पे जो सोडियम आया है उसकी प्रॉपर्टी सेम वही होगी जो किसकी है, लिथियम की, नहीं समझे बात को, यानी पहले एलिमेंट से स्टार्ट करो और जो आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो कि पहले की, और सही बात है, लिथियम मेटल है और सोडियम भी क्या है, मेटल है, जो प्रॉपर्टी लिथियम की वही प्रॉपर्टीज सोडियम की भी हैं। अच्छा इससे और करें, ये बी ई से स्टार्ट करें, पहला एलिमेंट इसको मान लें बेरिलियम को, तो यहाँ से गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका मतलब बेरिलियम की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, नहीं समझे बात को, अगर आपकी समझ में आया तो बताएं, बोरोन किसके, हाँ किसकी, एलुमिनियम, नहीं समझे बात को, फिर कार्बन के साथ किसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस की, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर की, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन की, नहीं समझे बात को, तो ज़माने के लिहाज से जो एलिमेंट थे, फिर उसके बाद क्लोरीन आ गया, फिर ब्रोमीन आ गया, फिर आयोडीन आ गया, फिर एस्टाटीन आ गया, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो ये ग्रुप कंप्लीट होता रहा, नहीं समझे बात को, इस तरह से जो एलिमेंट्स थे हर ग्रुप के अंदर जगह खाली थी, जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई वहाँ पे एलिमेंट्स अपना अपनी जगह बनाते गए, जिस तरह यहाँ पे डेस्कें रखी हुई हैं ना, तो जैसे जैसे स्टूडेंट आते जाएंगे क्या होगा, फिल होती चली जाएंगी साइज ऑफ द रूम के मुताबिक या कैपेसिटी ऑफ रूम के मुताबिक, हाँ वो फिर एक अलग केस है। तो इस क्या समझे बात को, कि इस तरह से एलिमेंट अरेंज किए गए कि हर आठवां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जस्ट वही है जो पहले एलिमेंट। अब मैं इसको एक छोटी सी मिसाल दूँ मौसीकी के हवाले से, जिस तरह मौसीकी के कितने सुर होते हैं, तीन नहीं होते, सात होते हैं, जो म्यूजिकल नोट्स हैं टोटल कितने हैं, सात होते, क्या क्या बोलूँ, ये जो सा से स्टार्ट होती है ना कहानी, सा उसके बाद रे फिर गा फिर मा पा धा नी और आखिर में क्या आता है, ये सात हो गए, उसके बाद आठवें नंबर पे क्या आएगा, फिर सा आ जाएगा, नहीं समझे बात को, तो आठवें नंबर पे जो सा आया उसकी जो फ्रीक्वेंसी और पहले वाले की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल होती है, यानी एक जैसी होती है। अब समझ में आ गई बात आपके, तो इसी तरीके से एलिमेंट्स इस तरह से उसने अरेंज किए, किसने किए हैं, न्यूलैंड ने, किस ज़माने में किए, 1864 में किए, इस तरह से अरेंज किए कि अच्छा अब इससे ग्रुप बन गया, इसको क्या बोलते हैं फिर, ग्रुप, इसका मतलब ये पहला ग्रुप बनाया उन्होंने, लिथियम सोडियम पोटाशियम तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी, दूसरे ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सबकी प्रॉपर्टी, और ये आज भी इसी तरह है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो पहले ग्रुप के अंदर यही लिखे हुए, दूसरे ग्रुप में, लेकिन इसके कुछ कुछ डीमेरिट्स भी, यानी समझ लें
क्या कहना चाहिए, कुछ कमी है, कुछ खामी भी है इसके अंदर, और रही हर ज़माने में उस दौर के लिहाज से। हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, पहले ग्रुप में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। पहली खामी आ गई। दूसरी खामी क्या आ गई कि इसको पूरी पीरियोडिक टेबल पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये दूसरी खामी आ गई। लेकिन फिर भी इसको हम मान लेते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री में शामिल है, उसके ज़रिए आगाज़ हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आगाज़ में अगर थोड़ी बहुत खामियाँ भी थी तो कोई बात नहीं। ओके, इसकी डिस्क क्रिपेंसिस लिखिए ज़रा ले लें से एक दो जुमलों में। डिस्क्रिपेंसिस लिख लें, बताओ भी देखिए इस कानून की खामियाँ, डिस्क्रिपेंसिस। इसका मतलब क्या होता है खामियाँ? हाइड्रोजन बाज नोट, एक मिनट होगा बाज नोट इनको नंबर टू द लॉ वॉज नॉट एप्लीकेबल टू लार्ज, ये लिख लें भाई निर्णय से, टू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो आ गई, ये डिस्क क्रिपेंसिस कहलाती हैं, यानी इसकी खामियां हो गई कि हाइड्रोजन तो इसमें था ही नहीं शामिल। और दूसरा क्या था उसकी मैं वजह बता दूँ, हाइड्रोजन है नॉन मेटल गैस है, और ये सारे क्या हैं, ये मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी लिख दी, लेकिन हाइड्रोजन को फिर भी उसको पहला मकाम दिया है। उसकी वजह यह है कि लिथियम और सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, इसलिए पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को जगह दे दी, नहीं तो हाइड्रोजन जचता है आखिरी ग्रुप में अपने गैसेस के साथ। और भी वजूहत हैं लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, हमारा मौजू नहीं है। ओके जी, तो ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर नंबर फोर पर आता है लोथर मेयर, उसको हम कल करेंगे, अब मैथ की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इस हवाले से।